विषय यही चल रहा था कि हम पूरे कंठ के साथ और वेदों का जय जयकार करते हैं, छोटी छोटी बातों में वेदों को ले आते हैं। वो स्वामी सुखदास व्यक्ति को सभी जगह से जैसे वेद भाटों की तरह से और काम कर रहे हैं, राम के जन्मदिन पर बधाई देना कर रहे हैं, सब काम वेदों का है, ये बुरी बात नहीं है। वेदों के प्रति हमारी उस श्रद्धा को बता रहा है कि आगे पीछे सर्वत्र हमारे जीवन में वेद है। इस रूप में लें तो कोई दिक्कत नहीं, पर वेद हमारे जीवन में है ही नहीं और हर जगह शानदार बैंड बाजे की तरह से वेद को बुला बुला करके हम भाट का काम करवाएं, ये क्या हमारे वैदिक होने का प्रमाण है? तो वो यहाँ पर भी लागू हो रही है। बहुत वर्षों तक विवाद था और आज भी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे पाठ्य ग्रंथों में सामान्यतया ये सिखाया जाता है कि पहले कभी वेद तीन थे, ऋग, यजु और साम। कालांतर में चौथा वेद आया, उसका नाम हुआ अथर्ववेद। तो इसका मतलब अब बताइए, हम लोग रुक करके सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? कि एक तरह हम कहते हैं वेद ईश्वरी देन है, तो ईश्वर ने कोई 20 बार 50 बार 1000 बार तो दिया नहीं है, जो देना था एक बार दे दिया। तो उन्हें 4 दिए थे 3 दिए थे कभी हमने सोचा? जब हम तत्काल इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि पहले 3 देते और बाद में 4 हो गए, तो ये ईश्वर की देन है या अनीश्वर है, एक प्रश्न क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। हम इसका बिल्कुल सफल और एक निवारण ऐसा समाधान भले ही न कर पाए, पर बहुत कुछ सोच करके प्राप्त कर सकते हैं कि वस्तु तो इसका धर्म कहाँ तक सत्य, एक बात तो होगी। दूसरी, अगर वेद अथर्ववेद को बाद में लेते हैं तो आप जिस वेद को सबसे पहले मानते हैं, एक वेद क्या है सबसे पुराना मानते हैं, इस ऋग्वेद में अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा और अंगिरा, इन दोनों का कई बार सूक्तों के मामले में वर्णन है। तो ऋग्वेद जिस अथर्ववेद के दृष्टा ऋषियों को तो इस प्रकार से जब ऋग्वेद में जगह जगह अथर्ववेद को कहा, और बल्कि ऋग्वेद तो यहां तक कहता है अथर्वा पहला है व्यक्ति जिसने इस अग्नि को जन्म दिया, अग्नि को जन्म देने वाला पहला व्यक्ति है। इसका मतलब वेद के इस प्रवचन काल में भी अथर्वाओं ने अग्नि को इस रूप में हमें व्यवहित होने की योग्यता दी है, एक बार। दूसरा, अथर्ववेद बाद का है तो ये बताइए ऋग्वेद का ये मंत्र सही है अथवा गलत है? क्या आप सभी लोग परिचित हैं नारायण ऋषि, इनके द्वारा देखा हुआ जो सूक्त है उसको हम पुरुष सूक्त नाम से जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं? पुरुष सूक्त। और उस पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुए। तो जो ऋग्वेद का मंत्र है और चारों वेदों का नाम लेकर उत्पन्न कर रहा है, तो क्या हम लोग इतने अंधे हो गए थे, इतने बुद्धिहीन हो गए थे कि एक बार हमने कभी पीछे घूम के नहीं देखा कि ये अथर्ववेद को हम चौथा कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं? चौथा अलग है, बाद में पैदा होने वाला चौथा एक अलग है। तो क्या हमने सोचा कभी आज ये चीजें हो रही हैं, खूब हो रही हैं वेदों पर और ये सब चीजें आ रही हैं पर खत्म नहीं हो रही? जब एक बार आंख खुल गया तो अब सवेरे की इंतजार नहीं की जाती है। जब खुल गया तब समय को नष्ट करने की अपेक्षा जो प्रातःकालिक कृत्य अभी से शुरू करते हैं, 1 घंटे पहले से 2 घंटे पहले से, तो आज हम जग गए तो आज से तय करते हैं कि हम भयंकर रूप से इस बात का प्रचार करेंगे कि वेद एक साथ ही हुए हैं, अलग अलग नहीं है। हमने आज तक क्यों नहीं सोचा? अब बताए हमारा जय जयकार करना वेदों का कहां तक सार्थक है? ये ऐसे लगता है कि केवल बातें। दूसरे लीजिए,
श्वेताशु उपनिषद का एक मंत्र है और वो मंत्र है कहीं वेदों की संख्या गिनाने के लिए नहीं है और किसी काम के लिए नहीं है। वो कह रहा है कि वह विधाता जिसने इतने बड़े काम किए हैं वह हमारी उस बुद्धि में प्रकाशमान हो। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम, क्या यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम, इस सृष्टि के लिए जो पहले तो इस ब्रह्म को जन्म देता है, ब्रह्मानं ब्रह्म विदधाति नहीं है, ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम, और यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, और वही विधाता उस ब्रह्मा के लिए वेदों को देता भी है। अब ये जो कुछ भी ऋग्वेद में कहा गया है उसकी व्याख्या इस मंत्र से व्यक्ति हो जाती है कि चारों वेद एक साथ ही है, परमात्मा ने एक साथ ही दिए हैं और एक साथ जिस व्यक्ति को दिए हैं वो ब्रह्मा है, और इसीलिए हम लोगों की कल्पना इस प्रकार की है कि ब्रह्मा चतुर्मुख है, कि चारों मुहूर्त उसने चार वेद प्रकाशित किए। अगर हम मूर्तियों में इतना ही विश्वास रखते हैं तो कम से कम चतुर्मुख का अर्थ समझ लें। और कालिदास ऐसे व्यक्ति ने तो इस चीज का बड़ा अच्छा उपयोग किया है, आप कुमार संभव वगैरह में ये तो ये हम कहाँ भूला है, क्यों भूला नहीं आपने? और इस भूल का परिणाम ये नहीं कि जो लोग वेद पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हीं को ऐसा भ्रम हो, वेद के जो अच्छे विद्वान हैं उन्हें भी भ्रम है। कैसे भ्रम? कि जो हम कभी चर्चा करते हैं कि वेद पहले एक था, उसी एक वेद को लोग यथावत ए टू जेड स्वीकार करने में जब असमर्थ होने लगे तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उस एक के चार विभाग कर लिए। क्या कर लिए? एक के चार विभाग, चार वेद नहीं और एक के चार विभाग कर लिए, और फिर चार व्यक्तियों को उनसे संबंधित एक एक मंत्र के संग्रह की एक एक संहिता दे दी। तो समस्त ऋचाओं की जो संहिता है उसको हमने ऋग्वेद या ऋग संहिता कहना शुरू कर दिया, और उस ऋचाओं की संहिता में केवल एक ही बात है। क्या है वो बात? मुख्य रूप से जिसको हम कभी कभी ऐप के रूप में ले रहे हैं, वहाँ उसे स्तुति है। स्तुत्यर्थ है ये देवानाम वेदा सृष्टा स्वयं हुआ ब्रह्माणे, इन देवताओं की स्तुति के लिए वेदों को इस प्रकार बनाया। तो देवताओं की स्तुति अब हमारे यहाँ होगा अनेक देववाद। वेद ही जब अनेक देवताओं की स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ है तो स्वाभाविक ही हम अनेक देवों को मानने वाले हैं। क्यों? एक तो हम छह दर्शन की जबरदस्त कल्पना करते हैं और खूब उनके पर शास्त्र होते, खूब ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसके बावजूद भी जब हम इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे तो क्या हमारा दर्शन सार्थक है? क्यों? कि जब यो कहते हैं यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तो परंपरा तो यह है कि जो कुछ ब्रह्मा को मिला है उनसे वो ब्रह्मा ने हमें एक साथ ही, तो एक साथ ही ब्रह्मा ने प्राप्त किए, एक साथ ही ब्रह्मा ने अपने लोगों को दिया। सुविधा के लिए कालांतर में हमने उन चारों वेदों के अलग अलग चार विभाग के लिए एक विधान का, और चार विभाग में ऋचाओं से काम करने वाला व्यक्ति है उनको एक संग्रह मिल गया, और वो व्यक्ति यज्ञ की दृष्टि से कहलाता है होता। क्या कहलाता है? होता। तो जो होता है उस होता से संबंधित जो वेद है उसका नाम है होत्रिवेद अर्थात ऋग्वेद। अब इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जिसे हम ऋग्वेद कह रहे हैं वो उन ऋचाओं का संग्रह है जिसमें यज्ञ संबंधित सारी गतिविधियों को बड़े अच्छे ढंग से दिया गया होगा, और अच्छे ढंग से दिया गया होगा कि ये जो सृष्टि है इसका मूल जो है उस मूल ने अपने हजारों रूप बना करके और उसके आधार पर एक एक शक्ति को एक एक देवता के नाम से सृष्टि की संयोजना में लगाया है। देवता वो क्या है? देवता वो है, आप लोगों ने देखा कि ऋग्वेद का जो सबसे पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्ति है, और अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नहातम, ये अग्नि क्या है? ऋतुज। देखो अग्नि खुद जिसका हम यज्ञ कर रहे हैं, जिस अग्नि में आहुति देकर यज्ञ कर रहे हैं उस अग्नि को कहा ऋतुजम,
अग्नि खुद ऋतु है। आप बताइए अग्नि आप हम लोगों की तरफ बैठ करके और विधि लेकर के यज्ञ करेगा या अग्नि का यज्ञ कुछ और होगा? इसी को होता भी कहा है, होतारम रत्न धातम और रत्न धातम। अब रत्न धातम हम भी कहा, रत्न धा तम, तम जो है सुपरलेटिव डिग्री। तो जितने भी रत्न को धारण करने वाले विश्व के पदार्थ हैं उन सब में श्रेष्ठ पदार्थ है अग्नि। अर्थात इस विश्व गर्भा वसुंधरा के गर्भ में जितने भी रत्न हैं वो सारी अग्नि की थी। इस विज्ञान की इतनी बड़ी बात कह करके हमारे ऋग्वेद का पहला मंत्र प्रवृत्त होता है, रत्न धातम वो अग्नि। उस अग्नि को अगर हम देवता कहते हैं और अग्नि की इस प्रकार की स्तुति करते हैं तो बताइए हम पागलों की तरह से अनेक देववाद की स्तुति कर रहे हैं या उस परमेश्वर का अग्नि रूप जो इतने अच्छे रूप से हमारी सृष्टि के आधार रूप में है उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। फिर अनेक देववादी हैं वे ये कहना कितनी भयंकर भूलों पर भूल, एक बात कहें दो बात कहें जगह देखो जहाँ देखो भूल, हमने बैठ के सोचे ही नहीं विचार ही नहीं किया कि हम ठीक करें। क्यों ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसीलिए कि हमने एक अंध परंपरा को अपनाना और जिसे अपना लिया है उसको कभी नहीं छोड़ना ऐसा अघोषित व्रत ले लिया है। कोई ने घोषणा नहीं किया, संकल्प नहीं लिया। अपने सारे काम संकल्प से होते हैं कि बिना संकल्प के लिया एक जबरदस्त काम है और सारे संकल्पों के ऊपर पानी फेर देने वाला। कितनी विचित्र बात हम लोग कर रहे हैं। क्या वेद केवल ये देवताओं की स्तुति करते हैं? और देवताओं की स्तुति का मतलब क्या है? और तो काम ही दूसरा। चलिए तो ये तो आगे है यजु मंत्र। क्या है यजु? तो यजु जो है वो ऋचाई नहीं, क्योंकि जब इस प्रकार से हम ग्रंथ के रूप में और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा, भाषा का माध्यम है वाक्य, वाक्य का मूल है शब्द और शब्द का मूल है हमारी आवश्यकता। जब भी कोई हम संस्था खड़ी करना चाहते हैं पहले बताओ क्या नाम रखेंगे, क्या उसका चिन्ह होगा? प्रश्न है, बिना नाम के कोई संस्था नहीं चलेगी संस्था। तो निश्चित रूप से हमें नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो चलो वो अगर सारी ऋचाएं हैं तो यजुर्वेद भी तो ऋचा है, यजुर्वेद में भी ऋचा है। फिर उनको ऋचा नहीं कहते हम, क्या कहेंगे फिर? ययु। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, ये यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो भी ऋचाएं हैं पर उनको हम ऋचा नहीं बोलेंगे। प्रयोग के वक्त में कहेंगे इस ययु का इस कर्म में विनियोग है, वहां कहेंगे अनया ऋचा अग्निम स्तौति, वहां ऋचा ये नहीं है अनय मंत्र अग्निम स्तौति, अनया ऋचा अग्निम स्तौति। और यहां बोलेंगे अनेन यजुषा, इस यजु अग्नि में आहुति देता है। तो इसका मतलब यजन ने जो कुछ काम होना चाहिए उस काम को प्रक्रियात्मक विधि को समझाने वाला जो है और उपयोग में लेने वाला जो मंत्र समुदाय है उसका नाम है यजुर्वेद। अमर ऋचाएं भी यजु है। आप देखेंगे आश्चर्यजनक बात है, आपने पुरुष सूक्त कभी ये जो अपने ऋग्वेद के दसवें मंडल का और नब्बे क्रम का जो सूक्त है उसके अलावा भी देखा गया यजुर्वेद में? यजुर्वेद में उसको क्या नाम दिया गया? वहां नारायणीय नाम दिया, क्यों? यश दृष्टा कौन है? ऋषि कौन है? नारायण। तो नारायण दे दिया। अब नारायण नाम दे दिया परंतु हमें अपेक्षा कुछ और थी, हमारा क्रम पूरा नहीं हुआ। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनसे छह सात मंत्र और अधिक हमने ले लिए और उसको नाम दे दिया उत्तर नारायणीयम। क्या नाम दिया? उत्तर नारायणीयम। इसका मतलब ऋग्वेद जिस दृष्टि से इन सोलह मंत्रों के एक समुदाय को और ऋचाएं कहकर पुकारता या उनका पूरा पूरा एक तरह से क्या नाम वो कह रहे हैं सूक्त, उस दृष्टि से सूक्त नहीं बोल रहे हैं, नारायणीयम और उत्तर नारायणीयम। आखिर में इस प्रकार से व्यवस्था करना यही बता रहा है, कोई
निश्चित एक उद्देश्य को दृष्टि में रख करके ये वेद हमारे सामने रखे गए हैं। बिना उद्देश्य के नहीं पागलों की इधर से इकट्ठा कर लिया इधर से उधर लीजिए। और यही यज्ञ की प्रक्रिया में जो गीतियाँ आती हैं वो ऋचाओं पर ही गाई जाती है, पर उन ऋचाओं को हमने ऋचा नहीं करके यहाँ साम कहना शुरू कर दिया। तो जो सामवेद है मोटे तौर पर तो केवल विशुद्ध ऋचा है। सामवेद संज्ञा जिसे आज हम कह रहे हैं वो तीन तीन ऋचाओं का एक समूह है, पर उसको कोई ऋग्वेद नहीं बोलेगा। मंत्र ऋग्वेद है, सारे मंत्र ऋग्वेद है, तो फिर हम साम क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब भाषा में अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उस माध्यम का जो रूप है उस रूप को लेकर के हमने इस वेद को आपके सामने रखा और उस रूप की दृष्टि से उसके तीन प्रकार बन गए। एक अपने आप में मूल रूप में ऋचा, दूसरा प्रक्रियात्मक रूप में और उन्हीं ऋचाओं का उपयोग करने वाला और दिग्दर्शन करने वाला जो है वो ययु, और उन्हीं को गाने की दृष्टि रखने वाला हो गया साम। एक वेद के और वह बल्कि एक ऋचा के तीन रूप हो गए, ऋचा के तीन रूप हो गए। पर हम वहां पर यही कहेंगे ऋचाओं के लिए त्यजम सामो, तीन ऋचाओं पर एक साम गाया जाता है, तो साम है तीन तीन ऋचाओं के समुदाय का नाम हो गया साम। मको इतनी पड़ी इन तीन ऋचाओं पर एकदम त्रिजम साम है। और फिर साम का नाम भी है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस पर गीति का काम किया होगा उस व्यक्ति के नाम से साम। आपके पाणिनि भी इस बात को लिख करते हैं, जैसे कलिना दृष्टम साम है कालेयम, भैया काले साम का जब करना होगा अब जिसका वेद का अध्ययन वो जान जाएगा काले साम कौन सा है, क्योंकि आप इस जो साम वेद की जो संहिता है उसमें तो कोई काले नाम ढूंढेंगे नहीं, उसमें काले साम ना नहीं मिलेगा आपको। तीन ऋषियाँ जरूर मिल रही तीन तीन ऋषियों पर, काले नाम नहीं। काले नाम कहाँ मिलेगा? जहाँ इन ऋषियों को हमने अपने ढंग से साम के रूप में गा करके और गिनती पद्ध करके आपके सामने रख दिया है वो है काली। तो कालेयम साम है, कलिना दृष्टम साम है कालेयम साम, तो वो सारे नाम मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? जिन्होंने उन सामों का गान किया है उन लोगों के नाम पर वो उसी साम के नाम से हमारे ग्रंथों में एकत्र किए गए। तो बताइए वेद के साथ है या वेद के पार के बाद के? सोचने की बात है, हम जो कभी कभी ये कह जाते हैं कि वेद के वक्त में केवल वेद था, वेद के अलावा कुछ नहीं था, तो वेद के समय केवल वेद था, वेद के अलावा कुछ नहीं था। ये जो हम कहते हैं ये जबरदस्त भ्रांति हमारी है। वेद था इसमें कोई दो राय नहीं, पर वेद की ये बातें आपका जो यजुर्वेद है पूरा उठा देख लीजिए, उसमें कहीं आपको नहीं लिखेगा ऐसा मिलेगा नहीं कि ये जो मंत्र है जिसे हम यजु बोल रहे हैं इसका इस काम में इस तरह उपयोग करना है। ये सारा विनियोग किनका है? श्रौत सूत्रों का है। किनका है? श्रौत सूत्रों का। या तो कहिए कि श्रौत सूत्र गलत है, क्योंकि जो वेद तो बहुत पहले हो गए और श्रौत सूत्र आज में, तो आज जैसे हम व्याख्या करने में भयंकर त्रुटियां करते चले जाते हैं, क्या श्रौत सूत्रों वैसे मान लें? अथवा ये कहिए कि जिस किसी ने भी वेद दिया है उसने वेद के इस प्रक्रियात्मक रूप को क्या प्रसाद दिया? तो जैसे वेद की हमारी संहिताएं बनी ठीक इसी प्रकार से उस कार्य विधि की भी संहिताएं बनी और उन संहिताओं को हमने फिर इस प्रकार जाना होगा। एक सोचने की बात है। एक सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं कि हम लोग वेदांग के नाम से जो छह वेदांग लेते हैं, छह वेदांगों में क्या है? शिक्षा, फिर व्याकरण, फिर निर्वचन निरुक्त और फिर छंद। ये चार एक कोटि में रखने लायक है क्योंकि इनका विशुद्ध संबंध भाषा से है। किससे है? भाषा से। भाषा से है, विषय नहीं। व्याकरण विषय हमारे लिए हो सकता है वेद की भाषा को समझने का, बाकी वेद का काम ये कोई कर रहा हो ऐसा नहीं। तो ये चारों के चारों भाषा को बताने वाले एक अंग है। तो हम इसे भाषांग नहीं क्यों नहीं बोल रहे, वेदांग क्यों बोल रहे? अब आगे आप चलिए, पांचवा है कल्प और छठा है ज्योतिष। कल्प क्या है? ये वही जो यजुर्वेद में जो कुछ किया जाने वाला है उसकी प्रक्रिया को हमारे सामने रखने वाला भाग है वो कल्प है।
जब तक कल्प ग्रंथ नहीं होंगे तब तक वेद ही उपयोगी रहेंगे। कल्प हो जाने वाले तो वेद के पहले कल्प बने होंगे नहीं बने होंगे निश्चित। फिर ज्योतिष, ये हमारे ज्योतिष के विद्वान तो मानते ही हैं, ज्योतिष का जिसको सबसे प्राचीन ग्रंथ कहने की दृष्टि हम बराबर किए चले जा रहे हैं, वेदांग ज्योतिष। क्या नाम है उसका? वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष लोग मानते हैं विद्वान कि वेदांग ज्योतिष सबसे पहला ग्रंथ है, और सबसे पहला ग्रंथ है उसका समय क्या बताएंगे, ईसा से 1300-1400 वर्ष पहले। अरे मूर्खों, जब तुम व्यास को महाभारतकार मानते हो और व्यास ऋषियों के ऋषि हैं और महाभारत का और व्यास का समय 5000 वर्ष प्राचीन है, तो सबसे पहले का ये वेदांग ज्योतिष है ये कहां से आया? कभी सोचा नहीं हम लोगों ने रुक करके कि हम थोड़ी सी अपनी बुद्धि का बल लगाएं और सोचें क्या हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ऐसा होता है कि अगर हम स्वाध्याय को इस प्रकार से पकड़ लें कि कुछ न कुछ तो अपनी बुद्धि को और अपने बुद्धि के लिए हम लोगों ने लापरवाही नहीं की है। सबसे बड़ा हमारा जो मंत्र है गायत्री मंत्र, महामंत्र, जो किसी भी ब्रह्मचारी को ज्ञान में प्रवेश करने के सिंगल द्वार का काम कर रहा है, उस गायत्री मंत्र का अर्थ इतना ही, धियो यो न प्रचोदया प्रचोदया। हम उस सविता की उपासना कर रहे हैं जो हमारी सारी बुद्धियों को प्रेरणा देता है, देवे। क्यों कर रहे हैं कि वो प्रेरणा बुद्धियों में, तो क्या दिन रात चौबीस, अरे एक एक लॉक, दो दो लाख, तीन तीन लाख के हम गायत्री पोषण कर लेते हैं और बुद्धि नहीं की हुई। तो 3 लाख बार जब मुंह से लगाता है ध्यो योग न प्रचोदयात बोला है, उसका इतना सा तो एक प्रभाव होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग बोलने के अभ्यस्त खूब अच्छे हो गए, जीवन में वो उतरे और हम उसको समझें, हम खुद रुक करके समझें, क्योंकि ये मन किसका है? हमारा है। बुद्धि किसकी है? हमारी। तो हमारी बुद्धि को हम ही तो देखिए हम प्रेरित करेंगे ये हमें विश्वास है, पर प्रेरणा किससे मांग रहे हैं? प्रचोदया, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो क्या सचमुच ईश्वर के, हे ईश्वर तो हमें वो बुद्धि दे कि हम दुनिया के सारे बातों को भूल करके सबसे पहले जो हमारे जीवन में रात दिन काम में आने वाला उस वेद के कुछ मर्म को समझने की कोशिश करें। ये इस बुद्धि अगर मंत्र का अर्थ नहीं है, मंत्र का जब किस लिए धियो यो न, तो ये बुद्धि हमारी है, तो जमा हमारा, मन हमारा, बुद्धि हमारी, तन हमारा, उच्चारण करने वाली जिह्वा किसकी? हमारी है। तो जिह्वा से संबंधित शिक्षा क्या? जिह्वा से संबंधित शिक्षा शब्दों के मर्म को समझने के लिए उनके मूल को देखना और उसके अनुसार उसका शब्द के संगठन को देखकर अर्थ को निकालना, तो ये शुद्ध शुद्ध करने वाला ग्रंथ कौन? व्याकरण। और व्याकरण अर्थ नहीं देता है, जहाँ जहाँ संज्ञा सूत्र है या कोई विशेष सूत्र है वहाँ व्याकरण बताता है, बाकी व्याकरण शब्दों के सिद्धित्व को होता है। अतः शब्दानुशासनम, ये पाणिनि का पहला सूत्र है, पर लोग इसको नहीं मानते हैं, वृद्धि आदि से शुरू करते हैं। अरे क्यों करते हैं वृद्धि आदि अतः शब्दानुशासन? कभी सोचा यहाँ भगवान भाष्यकार की मेहरबानी हो गई कि वो मंगल का महत्व बताते हुए ऋषि पतंजलि कहते हैं कि शिष्ट परंपरा यह है कि शास्त्र आरंभ में, शास्त्र के मध्य में और शास्त्र के अंत में मंगल करे, वो मंगल ही शास्त्र की अभिवृद्धि करते हैं। तो मंगल करे तो वृद्धि से अच्छा शब्द और क्या होगा? वर्धापन है, वृद्धि। तो वृद्धि आदेश पहला सूत्र होना चाहिए, और फिर व्याख्या भी करते थे कि संज्ञा और संज्ञी, तो आदेश क्या है? संज्ञी है, और वृद्धि क्या है? संज्ञा है। तो आत और ऐच इसका नाम है वृद्धि। क्या नाम है इसका? वृद्धि। तो होना यही था उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? आत ऐच, उसको करना क्या है? बुद्धि के रूप में कहना है। तो ये राम है, यह गोविंद है, यह कृष्ण है, यह बताकर राम कृष्ण होगा, गोविंद यह है, ये एक नया परिचय देने में होगा कहीं नहीं जानने वाले को। पर जब से पहले मालूम कि नाम गोविंद और राम तय हो चुका नाम, उसको हम बता रहे हैं।
तो वृद्धि आदेश है, वृद्धि को पहले लेने का सीधा सा अर्थ है कि हमने जानबूझकर कर्म भंग किया क्योंकि हमारा मंगल मिला है, मंगल कामना के लिए किया। तो ये जो मंगल कामना वाली बात जो है, ये किस प्रकार से उन्होंने ली और हमने क्या समझा? अथ में नहीं है क्या? अथ शब्द ओंकार शब्द, ओंकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले उच्चरित है जब सारे शास्त्रों का प्रारंभ करने वाले, शास्त्रों को अंत तक पहुंचाने वाले। अध्याय शब्दांश है, अध्याय धर्मानुशासनम, धर्मानुशासन धर्म जिज्ञासा। तो फिर तो ये जो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्यों करें, तो देखिए बहुत ही अच्छा महावाश्यकार है, हमारे बंदे नहीं तो रहेंगे, वो नहीं होंगे, वो नहीं होते तो निश्चित रूप से भगवान पाणिनि के मर्म को समझना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता। पर महाभाष्यकार ही हमारे नौका को चलाने वाले, हम तो आँख नीच के बैठ जाए आराम से। ये जब भगवान गीता में आपकी श्रद्धा के तीन लक्षण करते हैं, सत्व रज और तम, तो ज्ञान पूर्वक आपकी श्रद्धा होगी वो सात्विक होगी, आग्रह पूर्वक आपकी श्रद्धा होगी वो रजसी होगी, और अज्ञान मूल्य जो आपकी श्रद्धा होगी वो तामसी होगी। आखिर में श्रद्धा जैसे शब्द को भी और भगवान कृष्ण रज और तम जैसे नाम दे रहे हैं जो कि सत्व ही, उसकी सत्ता ही तो सब कुछ करती है, पर उसको भी अपने रज ताम दिया है। मतलब कहीं न कहीं हम इन उपयोगों के करने में कहीं भूल तो कर ही रहे हैं। कृष्ण का सुझाव है कि आप साथ तामसिक श्रद्धा मत रखें, क्योंकि तम शब्द ही अंधकार को बताने वाले आपके अंधकार, यही तो हमारे यहाँ सत्व अरे समाज में। ऋषि दयानंद ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, लोग सब कुछ भूल करके एक बार वेद की ओर आए वापस, जय जयकार तो खूब कर रहे हैं, वेद को हमने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने जिंदगी सारी लगा दिया, प्राण का उत्सर्ग भी हो गया, उनको जहर देकर मारा गया, प्रसिद्ध है, अब इतिहास को बदल नहीं सकते, और निश्चित ही कोई अर्थमदी नहीं मारा, वो क्यों मारे, तो किसने मारा? हम जो तथा कथित सनातनी है, एक मुझे सनातन शब्द से बड़ा द्वेष है, हम सनातन शब्द को वेद का पर्यायवाची मानते, वेद का नाम सनातन है या वेद सनातन है, क्या है? वेद सनातन, वेद सनातन है, सना सदा, क्या है? सना सदा, सदा भव सनातन, सदा रहने वाला है, आपके पहले भी था अभी भी है, आप रहेंगे नहीं रहेंगे प्रलय में, पर उस वक्त वेद का अस्तित्व तो फिर भी रहेगा, और सृष्टि जब दोबारा मिले तो सबसे पहले ऋषि को उसी वेद को उस प्राचीन परंपरा से लेकर के और उद्धार करके आपके सामने रखेंगे, यही इसके सनातनता है। नाम का नहीं, जैसे अपन आजकल ये धर्म के साथ लगाते हैं, इस्लाम धर्म के क्या बोलते हैं अपन, धर्म गुरु धर्मात्मा को इस्लाम को बोलने पर धर्म करते हैं, ऐसे बाइबल की दृष्टि से किसी भी ऐसा नाम नहीं है सनातन, नाम ही है कहें तो सीधी से वेद हम किससे प्राप्त, धर्म किससे प्राप्त है, वेद से हो, तो वेदा धर्मो ही निर्भव, भगवान मनु कह रहे हैं वेद से ही धर्म पैदा हुआ अर्थात प्रकट हुआ, तो इसलिए वैदिक धर्म कह दिया, और वैदिक धर्म कहने पर किसी संप्रदाय का धर्म नहीं, किसी भी संप्रदाय का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी प्राणी का नहीं है, किसी जड़ पदार्थ का भी नहीं है, सबका धर्म, विश्व के कण कण का धर्म है। धर्म जिसको अपन बोलते हैं वस्तु तो क्या है, संसार को हम अगर विभाजित करें दो ही चीजें हैं, धर्म और धर्मी, क्या धर्म और धर्म, धर्म और धर्मी, हम लोग धर्मी हैं, हम लोग कौन है धर्मी, धर्मी जो धर्म से बने वो धर्मी। अब तो धर्म क्या है जिसकी वजह से हम धारण किए जा रहे हैं, तो हम किससे धारण किए जा रहे हैं, आप देखिए पंचमहाभूत ये हमारे धारक तत्व है, ये शरीर जो आपको दिख रहा है स्थूल, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो पृथ्वी का, इसलिए अपन बोलते हैं पार्थिव शरीर, क्या बोलते हैं पार्थिव शरीर, यानी इसमें तप अग्नि भी है, इसमें वाचा है सबके सामने, छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी, और एक बच्चा भी आराम से कहते थे कि इसको देख करके जो बच्चा बौन ही क्यों न हो आदमी, किसने सिखाया, क्योंकि हमने जातिवाद की संज्ञा सिखाई, एक व्यक्ति को देखकर समस्त जाति को पहचान लेना ये जातिवाचक, तो बताइए मनुष्य जातिवाचक है या ब्राह्मण जातिवाचक है, मनुष्य ब्राह्मण जातिवाचक नहीं,
क्षत्रिय जाति वाले नहीं है, पर इस जाति को भी तो किसी न किसी आधार पर दिया होगा। तो जब आप दौड़ करेंगे तो आपका प्रमुख आधार क्या रहेगा, वहां यह आ जाता है ब्रह्म आपका आधार है। नहीं, जो कुछ भी मुझे लेना है, चाहे संसार में कितना ही अपने या मृत्यु हो जाए, पर मैं अपने इस धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, यह ब्रह्म है। जिसने कहा नहीं, मैं अपने सामने एक व्यक्ति को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता हूं, मुझे अपने प्राणी के होने का वचन देने पड़े, मैं इसकी पीड़ा दूर करूंगा, यह क्षत्र है। और समाज है, आपको शर्म और वर्ण दोनों मिल गए, आंतरिक दृष्टि से कवच देने वाला ब्राह्मण और बाह्य कवच देने वाला क्षत्रिय, इसलिए वर्ण होने के नाते वर्मा और ये शर्म होने के नाते शर्मा, यह हमने उसको जो है जाति बना दिया। हजार ब्राह्मणों को देख करके आप किसी एक हजार एक में व्यक्ति को जब देखेंगे तो नहीं कह सकेंगे ब्राह्मण है, क्षत्रिय को देखकर नहीं कह सकेंगे क्षत्रिय है, पर गाय घोड़े गधे मच्छर मक्खी मनुष्य इन सबको देख ले कोई भी कहेगा मनुष्य, छोटे छोटे बच्चे भी कहते मनुष्य, तो हम क्यों भूल गए थे ये संज्ञा। तो पाणिनि ने नहीं कही जगह संज्ञा शब्द का ऐसे ही प्रयोग किया कि भाई आपके प्रकृति प्रत्यय से कुछ पता नहीं चलेगा क्या है, पर जिसमें यह विशेषता है उसका नाम संज्ञा या अर्थ का अभिधान हुआ। शब्द का केवल प्रकृति नहीं बताई गई कि यह मूल है और यह सब, इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में अर्थात विष प्रजा विषमन प्रजा उस संपूर्ण विश्व में प्रवेश करके और जो इस प्रजा के सारे कार्यों को कर रहा है उसको नाम दिया गया वैश्य विशति सर्वस्मिन। तो विषय है प्रजा, वो क्या कहा। अब देखिए यहाँ गीता में अपन भगवान कृष्ण को देखते हैं, तीन नाम गिनाते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य कर्म स्वभावजम स्वभावजम, स्वभाव क्या है भगवान कहते हैं कि ये स्वभाव है, यही व्यक्ति का अपना निजी रूप है। स्वभाव अध्यात्म, स्वभाव का मतलब क्या अध्यात्म। तो आप एक से व्यक्ति होते हुए भी शक्ल सूरत रंग रूप भ्रम देश स्थान काल एक होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्ति से आगे बढ़ता हुआ अपना अपने समाज का इनकी जो रक्षा काम करता है उसके उस प्रवृत्ति के आधार पर उसको नाम दिया गया। तो कृषि गोरक्ष और वाणिज्य इस काम में वैश्य नाम की वृत्ति वाले व्यक्ति की प्रथम प्रवृत्ति होगी, दस दूसरे काम छोड़ के इसको करेगा और सफल भी होगा। देखे देख करेंगे खेती में बड़ा लाभ है, तो एक बार ले लेंगे, एक बार थोड़ा सा अकाल पड़ गया हाय हाय करके बैठ जाएंगे, तो वो दस अकाल भी भोग करके अपने काम को करेगा और आगे बढ़ेगा। अंत में जो चौथा वर्ण रहा है उसके लिए क्या कहा कि शूद्र सारे समाज का सेवक, किसका व्यक्ति से सेवक नहीं समाज का, समाज का सेवक क्यों है सहज प्रवृत्ति से, किससे है सहज प्रवृत्ति शूद्र। अभी शूद्र का अर्थ लोगों ने नहीं समझा, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, शू तत्काल तुरंत फौरन सून अंग्रेजी में, उत उत्कर्ष और ध्रुव द्रवती। तो तत्काल उत्कर्ष के लिए जो दौड़ पड़े रही रहते भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहीं झिझक नहीं है, कहीं किसी प्रकार का आलस्य नहीं है। इसलिए आप देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें वो एक मंत्र दिए गर्भवाणी में कहता है कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठस्त्वेता भवति कृतं संपद्यते चरण। पढ़ा है यार कलि, ये भगवान ने अच्छा क्या विवाह ने पहले में कर दिया था कि बोलो चिंता मत करो, तुम्हारे केवल 4,32,000 वर्ष है तुम्हारे छोटे से युग, पर इससे ऊपर वाला जो युग है वो 8,64,000 वर्ष का, ये द्वापर युग है, इससे तिगुना जो है वो त्रेता है जिसमें कितने होते हैं 12,96,000 वर्ष, और इससे 4 गुना जो है कलि से वो है आपका सत्ययुग जिसमें 17,29,000 वर्ष होते हैं। तो 17,29,000 वर्ष का तो कौन सा युग है
कृत युग और 312,96,000 वर्ष का क्या है त्रेता को अपन ने बड़ा भ्रष्ट कर दिया। त्रेता शब्द का युग के साथ बांधे इसमें वर्ण संख्या संबंधित है पर त्रेता त्रेता युग क्यों है ये कहीं नहीं सोचा। ये तो समझ में आ गया कि भगवान ने इतना लंबा छोड़ा समय अपने पैदा करने के बाद में सत्ययुग का दे दिया है। आप अपनी रक्षा कर सकते हो जितना बच सकते हो सारा वातावरण सारा पर्यावरण सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। अगर वो इतना छोटा था 432,000 वर्ष का तो हम सत्ययुग तक शायद पहुंच ही नहीं पाते। तो वहां पर फिर भी त्रेता क्या है त्रेता शब्द करते हैं अग्नि त्रयमिदं त्रेता। ये तीन प्रकार की जो अग्नियां हैं उन तीनों अग्नियों का सामुदायिक एक नाम है उस नाम का है त्रेता। क्या तीनों अग्नियां मिलकर काम करेंगी वो त्रेता हुआ और अग्नि जहाँ आरंभ हो जाती वहां पहले यज्ञ आरंभ हो गया। क्या हो गया यज्ञ आरंभ क्यों अग्नि में आहुति ये तो यज्ञ आप लोग भी तो रोज आहुति देते हैं सुबह शाम ईश्वर ने हम लोगों मुझे तो समय तय कर दिया सुबह शाम दो दिन बहुत वक्त है फिर कभी आवश्यकता हो तात्कालिक शारीरिक धर्म पालने के लिए आप 2-3 दिन ले सकते हैं 4 दिन ले सकते हैं आवश्यकता हो तो 2-4 दिन के लिए छोड़ भी सकते हैं पर छोड़ना धर्म नहीं है छोड़ना विवशता है। वो आयुर्वेद का जो धर्म पालन करने वाले लोग हैं उनका डंडा है छोड़ो नहीं मरोगे घी बड़ा प्यारा छोड़ो ये छोड़ना धर्म है और घी खाना है ये भी धर्म है और एक ही धर्म का निर्देश कर रहा है आयुर्वेद। इसका मतलब आपका जो शरीर है उसका जो धर्म है उसका सबसे बड़ा ग्रंथ है आयुर्वेद उसको अपन धर्म नहीं मानते। ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं कि जो कि हम तो दवा लेंगे नहीं मर जाएंगे इसके लिए चिंता नहीं। आप बताइए आयुर्वेद के लोग भी तो ऋषि हैं ना कौन है सब ऋषि ऋषि आयुर्वेद वाले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो ऋषि नहीं है और उसको हम धर्म नहीं माने उसके खान पान को देखिए आप लोगों को गलत प्रेरणा नहीं देने जा रहा हूँ पर एक हम इस प्रकार से सुंदर बौद्धिक पर्यावरण बनाए कि जहाँ ग्राह्य और अग्राह्य के भेद को अत्यंत स्पष्ट समझ करके उस प्रकार के व्यवहार में उतर सकें उसको बोलने की दृष्टि से देखिए कि लहसुन लहसुन इसको अपन लहसुन बोल जाते हैं। अब देखिए लहसुन भले ही कहीं बाहर का शब्द होता हो मुझे पता नहीं पर लहसुन का ही गया हुआ है लहसुन और लहसुन भी क्या है संस्कृत की एक धातु लश कांति अर्थ में आती है तो जो शरीर को कांति प्रदान करता हो वो लहसुन क्यों क्योंकि रसोन है क्या है रसोन एक रसात ऊनो प्रकृति ने 6 रस दिए मधुर अम्ल लवण कटयुक्त कषाय आदि उनमें केवल अम्ल इसमें नहीं है बाकी 5 रस प्रकृति के जिसमें अकेले हो ऐसा लक्षण बराबर करने वाला कोई वनौषधि नहीं है। एक उत्पत्ति पवित्र आप किसी पशु को मार करके और उसके रक्त से और मस्तिष्क को नहला करके आते हुए लकवे को रोक सकते हैं पर यह वैसे हत्या भी नहीं है धरती पर पैदा हो रहा है पवित्र है अब लीजिए रसोन है। पर प्रश्न क्या है हमने बिना सोचे समझे एक बात तय कर एक बड़ा तामसिक कामुकता पैदा करता। मैंने कहा हमारे आयुर्वेद की कभी आई पुस्तकें आप निकाल के देखिए जितनी भी बाजीगरण हो सके हैं उनमें एक आदेश है ये दवा लेकर के आप दूध पीजिए उनमें लहसुन हो या नो सब वनौषधियां हैं पर ऊपर जो कहा ना दूध पीजिए दूध आपके उस दवा पर पथ्य का काम कर रहा और वो आपके काम वासना को उत्तेजित करने का काम कर रहा। आप अजय दूध को क्या छोड़ेंगे तो क्यों नहीं हम इतना विवेक रखते हैं कि वस्तु विवेक का ही विवेक प्रगात्मता इस वस्तु का स्वरूप यह है इस वस्तु का स्वरूप यह है इसकी यहां आवश्यकता है इसकी यहां आवश्यकता है बस यही विवेक है। इस विवेक को खोकर हम जो पीछे पड़ जाते हैं कि ब्राह्मण का लक्ष्य खाते बाप रे बाप कितना भयंकर पाप कर रहा क्या मजेदार बात है लक्ष्मण खाने की शिक्षा देने वाले कौन थे वही ऋषि आप
अगर आप इन शास्त्रों को उस दृष्टि से देखकर विचार करें कि लक्ष्मण की उत्पत्ति कैसे बताई गई है, कहीं पढ़ा तो पढ़ने में आया क्या कि लक्ष्मण के पद कैसे पैदा हुआ? नहीं है। अरे बापरे, कहते हैं लोग आयुर्वेद के आचार्य लोग कि जब अपनी माँ को अपनी दूसरी माँ अथवा अपनी मौसी इसके चंगुल से निकालने के लिए दासी न बनी रहे और देवता अपनी मेरी मौसी की दासी न रहे, मैं इसको स्वतंत्र कर दूं। ये सामान्य बात है और महाभारत के प्रारंभ में आदि पर्व में आ जाती है, क्योंकि उसने देखा कि माँ मेरी बड़ी चिंता और ये मौसी छोटी है, तो ये माँ उसके कहने अनुसार चलती, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये करवा दी, ये कर रही, तो माँ क्या बात है कि बात इतनी सी। एक बार हम दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि ये सूर्य के अश्व हैं उसकी जो पूंछ के बाल हैं ये सफेद है या काले, इतनी सी बात है। तो हम दूसरे दिन जब सूर्य को दिखा तो हमारे सामने स्पष्ट आ गया था, तुम हार गई और ये जीत गई, तो क्या जब तुझे जब मुक्त करेगी तभी तो मुक्त होंगी। ये वो वैसे ही है जैसे 12 वर्ष का पांडव वनवास हो गए सारे कष्ट। आप सोचो कल्पना कीजिए द्रौपदी जिसके पति के नाम मात्र से, चाहे वो भीम हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे नकुल सहदेव हो, कोई भी हो, लोग कांप जाते हैं। उस द्रौपदी का अपहरण उन्हीं के संबंधियों में किसी के द्वारा होता है, और वो कौन है? जवाई जयद्रथ है, दुश्शला का पति है ना, तो ये द्रौपदी का अपहरण कर लेता है। ये क्या है, जंगल में पड़े चल तुम और जोर दूसरा, तो हम ये ऋषि देखते हैं युधिष्ठिर को याद करते हैं, युधिष्ठिर याद करते बात करके चले जाओ और युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को क्या कहते हैं कि देख याद रखिए आखिर में अपना जवाई है, उसको दंड देना है और ज्यादा उसकी पीड़ित निकलना। ये तो जो है भीम ने तो कहा कि कौन सा जवाई, जब इसने अपने परिवार के संबंधों की रक्षा नहीं की, हमारी प्रतिष्ठा जाने का मतलब इसकी प्रतिष्ठा नहीं जा रही क्या? कहने वाले कह गया देखो उनका बहन ही था, उनकी पत्नी बोलेगा, तो इसलिए पर युधिष्ठिर ने जो कहा है भीम उसे मार छोड़ दो, तो अर्जुन तुम कह रहे हो चलो छोड़ देता हूं और लाखड़ी युधिष्ठिर पैर में पटका ये लो। अब सोचिए ये कम है, अगली बार फिर फूकनी पड़ी। एक साल जो छिपके रहने वाला था वहां कीचड़ जैसा व्यक्ति द्रौपदी के पीछे पड़ गया, अब इतने बड़े कष्ट भोग रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि धर्म संबंधी जो हमारे सामाजिक मान्यताएं हैं और जो आपस में पारिवारिक संबंध और राजा महाराजाओं के आपसे संबंध होते हैं, उन दोनों की रक्षा युधिष्ठिर को करनी है और दोनों की रक्षा करते हुए अपना बचाव करना, इसलिए उत्तर कहा। तो युधिष्ठिर को इस विषय में जो धर्मराज कहा गया है ये गलत नहीं कहा गया, हर स्थिति पर धर्म की रक्षा, पर स्वधर्म क्या है इसमें थोड़ी सी भूल हो गई। स्वधर्म प्रजा रक्षण और राम ने कर दिया, सीता जैसी अत्यंत पावन पवित्र उनके आत्मा उसको उन्होंने बिना किसी प्रकार की योजना बनाए और दूसरे दिन ही आज रात्रि को तो सुना उन्होंने कि ऐसी लोगों के विषय में धारणा है और दूसरे दिन वनवास। ये क्या था, हम जो कुछ करेंगे और वह हमारे जीवन में अगर उतर गया है और उसी के आधार पर हम उपदेश देंगे तो उस उपदेश का कोई महत्व है, और नहीं तो कहा कि भाई कहना बड़ा सरल होता, करना बड़ा मुश्किल होता, कोई भी कहने वाला मिल जाए तो हम कब तक छिपाएंगे उन गलतियों को। आज के नेताओं भी देखते हैं नहीं, ये तो दृष्टि है नाले दो कोड़ी के सारे व्यक्ति, किसी में भी तो अपने राष्ट्र के लिए भावना नहीं है कि आज एक व्यक्ति इस पार्टी में कल उस पार्टी में, मुझे यहाँ ये पद मिल जाएगा वहाँ ये सुविधा मिल जाए, क्यों? तो हम लोगों ने केवल धर्म के एकांगी दृष्टिकोण को लेकर के कभी कभी भूल किया। युधिष्ठिर जैसे लोगों ने जानबूझ करके कष्ट भोग करके भी इस भूल को स्वीकार किया, पर धर्म को पालन करने के लिए गलियां देखने वाली बात उन्होंने नहीं की। गली देखने वाली बात सीधी सी एक बात है, अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी
के कक्ष में चला गया और आ गया। और बाबा जब काम करके लौट के आया, काम इतना ही था कि किसी ब्राह्मण की गायों को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, और शेष था वो आया कि अर्जुन का चल मारता हूँ। वो आयुधागार वगैरह नहीं था जहाँ युधिष्ठिर का अधिकार था, तो जाने ही था उसको, और उन दिनों द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ तो चला गया। नहीं युधिष्ठिर ने कुछ कहा, नहीं अर्जुन ने कुछ कहा, और जब जीत के आ गया, ब्राह्मण को गाय दिला के आ गया, तब आकर कहते भैया मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं जंगल में जा रहा हूँ वनवास दूंगा। कह नहीं तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। तो युधिष्ठिर को क्या जवाब देता है, आप ही हैं जो कहते हैं कि धर्म से बचने के लिए गलियां मत निकालो। जब हमारे बीच में तय हो चुका है कि द्रौपदी जिस भाई के साथ रहेगी, उस वक्त किसी भी दूसरे भाई से अगर हमारी सभ्यता का शिष्टाचार का तनिक भी अगर उल्लंघन हुआ है तो उसको वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए आप चाहे कुछ भी कहें, आपका स्नेह बोलिया कुछ बोले, मैं जाऊंगा, और चला गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अगर इतिहास में देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में धर्म के विषय में जो हमारे उपदेश दिए गए हैं उनको मानने वाले कितने जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे लोग। उनके द्वारा एक एक बात कही गई। आज के लोगों में तैरते नहीं कि आज हमारे PhD के 300-350 प्रेस्टिज्यूट आप हो जाते होंगे, और उसके बाद में हमने PhD की डिग्री ले ली और महान धर्मात्मा हो गया। क्या हमारी बात है। ये धर्म ने तो वेद के विषय में जब कहा गया कि ऋग्वेद में सारे मंत्र हैं जो अथर्ववेद से संबंध रखने वाले, अथर्ववेद और अंगिरा इन दोनों का ही नाम लिया जाता है, वो वेद है, तो ऐसी स्थिति में इसको बाधा क्यों माना गया। भाषाई दृष्टि से अभिव्यक्ति का जो माध्यम है ऋचा यजु और साम, इस माध्यम से एक ही द्वंद्व है जिसको हम त्रयी बोल रहे हैं। तो एक त्रयी क्या है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। आप पढ़िए अपने आप ही इनका, त्रयेण वेदेन, क्या लिखा हुआ, त्रयेण वेदेन। आप बताइए क्या व्याकरण की दृष्टि से सही हो सकता है। पहले तो त्रयेण का रूप ही नहीं बनेगा, त्रि भी बनेगा, क्या बनेगा, तो फिर त्रयेण क्यों, और फिर त्रयेण है तो फिर वेद ही कर दो, पर जब त्रयेण ही वचन है तो वेद का भी वेद ही के लिए तो त्रयेण ही वचन आया, तो त्रयेण वेदेन। इसका सीधा सा अर्थ है तीन अवयवों से जिसका निर्माण हुआ है वो एक, और तीन क्या है, ऋग दिशा। तो तीन संख्या को न बताकर किसी संख्या के तीन अवयवों को बताने वाला ये त्रय शब्द है, ये स्वतंत्र शब्द है, त्रि से भिन्न है। क्या है, संख्या का मूल शब्द क्या है, त्रि, तो त्रि के पुल्लिंग में बनेंगे बहुवचन में त्रय, क्योंकि एक वचन दूसरे में प्रश्न नहीं है। स्त्रीलिंग है तो तिस्र, नपुंसक है तो त्रिणी, और यहाँ है त्रयेण, तो ये शब्द विशेषण बन के आया है और तीन के एक व्यक्तित्व को एक इकाई को व्यक्त करने वाला, तो त्रयेण भी है। आपको उदाहरण दूंगा, आप मनुस्मृति का एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, अग्नि वायु रवि व्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षण। इससे कितनी स्पष्ट व्याख्या किया गया, और ये भगवान स्वयं मनु की जो वेद के साथ जिनके गहरे सजीव संबंध है, वो कहते हैं अग्नि वायु और रवि इन तीनों से यज्ञ सिद्ध्यर्थम यज्ञ की सफलता के लिए ब्रह्म दुदोह है, इस ब्रह्म का दोहन किया तो ब्रह्म एक, कौन सा ब्रह्म है, यह ऋक यजु साम लक्षणम, ऋक यजु और साम जिसके नाम है, ऋक यजु और साम जिसके नाम है, उस एक सनातनम जो कभी नहीं बदलता, ये परिस्थिति के अनुसार हम बदलें उस वक्त और थी आज कुछ और है, यह केवल गली निकालने वाली बात है, जो उस वक्त का सत्य वो आज का सत्य है, केवल व्यवहार में हम थोड़े से आगे पीछे के तरीके हो सकते हैं। तो त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदो है ऋग यजु साम लक्षणम, अब यहाँ जब एक शब्द त्रयम ब्रह्म है, त्रिणी ब्रह्मा ही नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी बात हम नहीं पता पाए, और त्रि भाई त्रय साफ कहा तीन वेद है, आप ही क्योंकि त्रय साफ कहा है तीन वेद तो एक समझती,
ये कहिए ना कि भले आदमी व्याकरण पढ़ी होगी और व्याकरण को मान नहीं करते और तुम्हारा बोध है बातचीत करने का अधिकार है तो ये समझ पहले फिर बाद में दोबारा पढ़ो, पर जो हमारे खुद ही वेद पढ़ाने वाले हैं वो इसको नहीं समझते हैं तो दूसरे को हम किसको समझाएंगे, सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो वो वेद में त्रयी शब्द जो वेद का है ये एक वचन का ही शब्द है और वेद का ही पर्यायवाचक शब्द है, ये बहुवचन में नहीं चलता है, इसलिए त्रयेण वेदेन हुआ। अब जब त्रयेण वेदेन करते हैं तो त्रि ब्रह्म वाले में लिखिए, ब्रह्म में भी वो एकम, तो ये सारी चीजें अपन देखें वेद के छोटी छोटी बातों को लिखें तो ये स्पष्ट हो गया कि भाषाई दृष्टि से तीन वेदों की एक समष्टि है वो अलग है और अथर्ववेद की समष्टि वो अलग है। ये क्यों है? अगर कभी आपने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया हो वहां पर दो वर्तनी है मार्ग, एक है वाक एक है मन, वाक और मन इन दोनों मार्गों पर चलने से हमारा सारा काम सिद्ध होता है। तो यज्ञ में आपका ये जो तीनों चीजें हैं ये एक आ जाती कोटि में, किसमें आ जाती वाक कोटि में, और ये जो है क्या नाम अथर्व है ये आ जाता है मन की कोटि में। तो वाक और मन इन दोनों के समष्टि वेद की पूर्णता है, इस दृष्टि से आप दो वेद बताएंगे मिल जाएगा वाक वर्तनी, दूसरा जो एक है वो हो जाएगा मन, वाक और मन ये दो मार्ग है जिसके आधार पर हम वेद से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक वेद भी हो गया, दो वेद भी हो गए, तीन वेद भी हो गए भाषा दृष्टि से, चार वेद, तो चार वेद बताए थे आपको। अब ये कोई हमारी कल्पना नहीं है और भगवान व्यास जो व्यास से पुरातन है, देखिए वेदों को चार बनाने वाले व्यास हैं, ये बड़े ही अच्छे ढंग से प्रसिद्ध है, किसी को शंका नहीं होती संकोच नहीं होता व्यास बनाने वाले में ना लाएगा तुम। व्यास तो 28वें व्यक्ति है, कितने हैं 28वें, हाँ जो पहले व्यास हैं वो भगवान ब्रह्मा है और उससे पहले व्यास इस स्वयंभू मनु के प्रसंग में स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु भी वो है जिसने पहली बार वेदों का विभाजन किया, ये हम नहीं जानते कभी स्वयंभू मनु। और इस वैवस्वत मनु में वेदों का विभाजन करने वाला व्यक्ति है अकेले कृष्ण तो है वेद व्यास नहीं, इनके भाई छोटे भाई जिसका नाम जातुकर्ण है, ये वेद व्यास का गुरु है, चाचा वेद व्यास के गुरु, ये है 27वां व्यास। और इनके पिता कृष्ण द्वैपायन भाई इनके जातुवर्ण के बड़े भाई पराशर हैं, ये 26वां व्यास और पराशर के पिता शक्ति ये हैं 25वां व्यास है, और शक्ति के पिता शक्ति के गुरु भगवान वाल्मीकि ये है 24वां व्यास। तो 24 25 26 27 28 पांच तो आपको इस वैवस्वत मनमंत्र में चार तो व्यास के पहले के साक्षात उसी पीढ़ी के व्यक्ति मिल गए और उसी पीढ़ी में पीढ़ी का जन्मदाता वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ व्यास 8वें नंबर के। तो अगर हम ये कभी देखते ध्यान से पढ़ते रुकते समझते विचार करते और सही व्याख्या करते तो चार वेद नाम आते या 18 पुराण नाम वेद व्यास को तत्काल याद कर लेते कितनी भयंकर गलती है, हम अगर वो समय सही बात अध्ययन होने पर प्रश्न हो सकता क्योंकि महाभारत में स्वयं भगवान व्यास को 18 पुराणों का कर्ता माना गया, क्या अष्टादश पुराणा नाम कर्तुर वेद महोदधे, अष्टादश पुराणा नाम 18 पुराणों को करने वाले और वेद महोदधि वेदों के महासागर इन भगवान व्यास का वचन है ऐसे महाभारत के। तो अभी हम गलत कर रहे हैं, अभी भी ठीक कर रहे हैं, 18 पुराण व्यास के हैं पर हमने ये देखा कि पुराण शब्द का अर्थ क्या है और 18 का अर्थ क्या है, 18 का अर्थ क्या है, अष्टादश विभागों को मिला करके एक पुराण बनता है, या ये 18 हमारे वर्ण्य विषय होंगे इनके ऊपर हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करके चर्चा करेंगे, ये नाम है अष्टादश का। जैसे हमारे अष्टौ व्याकरणम क्या है, अष्टौ
अष्टो व्याकरण को भी लोगों ने बड़ा गलत ले लिया, जबरदस्ती गिना करके सात आठ व्याकरण गिना दिया। वास्तव में अष्टो व्याकरण करते हैं, व्याकरण के विवेच्य विषय आठ भागों में बटे, वो आठ भाग आपने पूरे कर लिए। ताकि पाणिनी की अगर व्याकरण के लिए कहें तो पाणिनी की व्याकरण जो है वो पांच भाग है। क्या है? पाणिनी की व्याकरण कुल पांच भागों में, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी, उसमें आठ अध्याय। देखिए अष्टादश और अष्टोप वाली बात में करते हैं, अष्टाध्यायी में आठ अध्याय। अब आठ अध्याय जो है वो अपना अर्थ स्वयं बताएंगे या दूसरे व्यक्तियों का अर्थ उनके ऊपर लादा जा सकता है, ये पाणिनी के सामने स्पष्ट था। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं सूत्रों की पूर्ति करने वाला दूसरा एक पाठ किया जिसका नाम है गण पाठ। क्या है उसको मैं दूसरा क्रम क्यों दे रहा हूँ कि आपके जो गण सूत्रों में सबसे पहला गण है सर्वादीनी सर्वनामानी। क्या है? सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्व आदि ये जो शब्द हैं इनको हम व्याकरण की परिभाषा में सर्वनाम बोलते हैं। तो जहां कहीं भी सर्वनाम शब्द आएगा वहां इन गिनती के शब्दों के बाहर के शब्द को नहीं समझा जाएगा, यह भगवान पाणिनी का कथन है। अब अगर यहां पर पाणिनी बीच में सारे सूत्र गिरा देते और ऐसे सैकड़ों सूत्र बीच बीच में आते जाते तो क्या अष्टाध्याय की दुर्दशा हो जाती? इसलिए भगवान पाणिनी ने दूसरा क्रम रखा है इन गण पाठों का। तो ये जो है सर्वाधीन सर्वनामानी जैसे गण सूत्रों को अलग करके और इनमें आने वाले शब्दों की गणना भी पाणिनी की है। अब उसके बाहर कहीं जा रहा है, प्रयोग में आ रहा है तो उन्होंने उसकी व्यवस्था भी की। आकृति गणोयम, क्या भले हम संख्या से निर्धारित नहीं कर पाएंगे पर इसकी आकृति तो है, उस आकृति आकृति में भेद नहीं है। और पाणिनी के विधि शास्त्र में इनके विषय में कोई नया विधान नहीं है, इसका मतलब हम इसको इसी गण में मान लें और अपनी व्यवस्था ठीक कर लें। क्योंकि हमारा काम है हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा शिष्ट महानुभावों के द्वारा जो कुछ भी तय किया गया था उन शब्दों को शिष्ट मानकर हम चले, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करें, उनकी हम व्याख्या करें। तो व्याख्या हम आकृति गणों में से करते। अब फिर तीसरा सबसे बड़ा गण बहुत सुंदर है, उसको छूटी नहीं भगवान की कृपा की, अपने क्या भी होगी धातु पाठ भू सत्तायाम। क्या है भू सत्तायाम? ऐसी छोटी मोटी भू सत्तायाम छोटा सा सूत्र है, बस इसके आगे एक और आ जाएगा उदात्त। भगवान पाणिनी कहते हैं जो ऊ है जो उदात्त है। अब उदात्त अनुदात्त स्वच्छ के आधार पर अनेक सूत्रों की अनेक प्रक्रियाएं काम करती हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा केवल सत्ता पाणिनी नहीं है बल्कि धातु स्वरूप होता है उदात्त भी है। तो ऐसी छोटे छोटे 2000 सूत्र है, 2000 सूत्रों को भी हमने कभी नहीं पढ़ा। अष्टाध्यायी आदि के सूत्रों को रेणु लेकर जो ये भट्टू जी दीक्षित जैसे लोगों ने और एक प्रक्रिया क्रम दिया है उसमें न तो हमारी पूरी धातु आती है न पूरे गण सूत्र आते हैं और न कुछ। और ये धातु और गण सूत्र का सत्यानाश हो जाने का मतलब है हम अपनी व्याकरण की व्युत्पत्ति से काफी दूर हट गए। सबसे बड़ी तो गण पाठ का बड़ा महत्व, भारतीय संपूर्ण प्राचीन काल का इतिहास इन गण सूत्रों से ज्ञात होता है और उसे सबसे विपक्षा मिलती है। तो पंचपादी जब व्याकरण बोलेंगे पाणिनी के तो पांच पाद पूरे आप करेंगे जो उनके अष्टाध्यायी, इसके बाद में गणपाठ, फिर धातु पाठ, फिर उनादि पाठ। उनादेव बहुलम सूत्र पाणिनी ने पढ़ाया और उनादेव का छोड़ दिया तो वो पूरा उनादि का गण ही एक अलग से अकेले उनादि का गण हो गया, वो उनादि सूत्र हो गया और अंतिम में लिंग पाठ। तो जैसे अमर कोशकार कहते हैं कि मैं अपने कोश में लिंगों को बताऊंगा पर जो मैंने वहीं पर बता दिए उनको नहीं, बच्चों को मैं अपने तीसरे कांड के चौथे पांचवें में लूंगा। इस प्रकार है उस मर्यादा को उस विधि को अगर हम पूरा नहीं देखेंगे और वेद का अर्थ करने के लिए तैयार हो गए कमर खींच लिया और चल पड़े कौन सा दिया जाती है, फिर वेद की जय कहाँ हो रही थी? हम देखते थे क्या वेद की प्रे नहीं हमारे होते हुए और इन सब बातों की रक्षा करते हुए आज ही बाहर से आई प्रश्न खड़ा होता क्या? और आज भी नहीं मान रहे लोग इस बात को, क्यों? आज एक सच पूछा जाए
कि कोई बताइए कहाँ सृष्टि हुई, तो ऋषि दयानंद बोल देते हैं तिब्बत में। क्या तिब्बत में? अब वो ऋषि हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है, पर जिस प्रकार से देखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं है। वेद के सारे मंत्र जो हैं वो स्थानों के नाम तक दे रहे हैं। आप मागध जैसे शब्द को वेद में पाएंगे, मगध देश इसका मतलब जिस वक्त वेद थे बन चुका था मागध। अब आपने अब इसको मानते नहीं ऋषि हैं, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वेद तो इतिहास को छूटता भी नहीं है। वेद इतिहास को छूटेगा तो बात समाप्त हो जाएगी, वेद नहीं छूटता है। तो इसलिए कि हम वेद के इतिहास को नहीं छूटा, इस बात पर हम तिब्बत में जाकर के फिर से मान लेते हैं। अगर वेद मानता तो आप यहाँ से आ जाते, जिसको अपन आगे नहीं कर कि मनु का जो कथन है वो बहुत सुंदर है, इतिहास के लिए सबसे बड़ा पाठ है, जो कम से कम और कुछ नहीं तो संस्कृति के लोगों तो जानना ही चाहिए। सबसे पहला स्थान है हमारा क्या है, ब्रह्मावर्त। क्या है? ब्रह्म का, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता का जहां सबसे प्रथम आवर्त हुआ है वो है ब्रह्मावर्त। अब ये ब्रह्मावर्त कहाँ है मनु परिचय दे देते हैं। सरस्वती दृश्यत पत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। मनु हमारे कितने अच्छे बंधु हैं, तो देह ब्रह्मावर्त से सटा देश तो ना ब्रह्मर्षि देश है, उससे सटावा देश बता दिया उन्होंने मध्य देश, और उससे आगे सटावा आर्यावर्त, और उससे आगे छठे सारे विश्व को ले लिया यजीय देश। तो कल मतलब नेक्स्ट आने वाला जो रविवार है वो लहसुन वाला चीज का आगे लेकर के लहसुन वाला प्रकरण अभी रह गया। किसका? लहसुन वाला था ना, लहसुन कैसे उत्पन्न हुआ? प्रश्न क्यों, क्या बताओ क्या दिक्कत हो गई? वो जो घोड़े के हनी तो हो गए ना, लक्ष्मण प्रश्न तो पूरा हो गया ना। नाम रसोन है, रसोन का अर्थ क्या है? एका एक साथ ऊन है, रसोन है एक रस उसमें कम है। एक रस कौन सा है? केवल अम्ल। तो अम्ल को छोड़ करके जो अकेला पांच रसों को आपको देता है वो आयुर्वर्धक मेधावर्धक इन सारे कामों को करने वाला सबसे श्रेष्ठ वन औषधि का रूप है उत्पत्ति। अब उसको हम उत्पत्ति बताए ना अर्थात, अच्छा उत्पत्ति इतनी बता दी कि जब वो अच्छा तुम्हारे मतलब कहानी बात इतनी सी थी कि वो दोनों बहनों की शर्त हुई, तीनों 13 महिलाएं थी जो एक ही पिता की पुत्री है, और वो पिता है उनका दक्ष प्रजापति। कौन है? प्रजापति दक्ष। और ईश्वर की दया समझो, योजना समझो, एक ही इनका पति है और वो है महर्षि कश्यप। अच्छा, महर्षि कश्यप। कश्यप कौन है? ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, और मरीचि का पुत्र है कश्यप, इसलिए ब्रह्मा का साक्षात पौत्र। तो देखो ये जो पांच पुराणों की बात मानेंगे, पुराणम पंच लक्षणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्मान्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणम पंच लक्षणम। ये पांच लक्षण तो सर्ग, तो जो ब्रह्मा से पैदा हुआ वो सर्ग है, और ब्रह्मा के पुत्रों से जो पैदा हुआ वो प्रतिसर्ग है। तो हम किसमें हैं? सर्ग में, प्रतिसर्ग में, प्रतिसर्ग में आएंगे, क्योंकि मरीचि की संतान कश्यप है और कश्यप के पुत्र। तो कश्यप के पुत्र होने से कश्यप की जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसका नाम दीदी है, अर्थात दक्ष प्रजापति की बड़ी लड़की, पत्नी भी बड़ी यही होगी। अब इस दीते के पुत्र जो है माँ के नाम पर दैत्य कह रहा है। अब आप सोचो कभी कल्पना दैत्य हमसे भिन्न है क्या? नहीं, हमारे भाई हैं। भाई बिल्कुल बड़े भाई है सगे, और वाल्मीकि रामायण तो स्पष्ट शब्दों में कह रही है, और ये परिचय देने वाला व्यक्ति गरुड़ कौन है? और राम पूछ रहे हैं कि भैया तुम अपना वंश तो बताओ, यद्यपि मैं आपको जानता हूँ प्राचीन और मेरे पिता की मित्र भी हैं तो बहुत पुराने, पर आपका वंश। तब उन्होंने सारा का सारा ये कई परिचय दिया, और उनमें जो मनु नाम की पत्नी है उसके संतान हम लोग हैं मानव। तो सारे विश्व को उन्होंने इन
तेरे बहनों की तेरी संतति में बांट दिया। तो आपस में जहाँ होंगी जब निश्चित है, तू छोटा या तू छोटी, तू बड़ा या तू बड़ी, मैं बड़ा या मैं बड़ी, लेता है। तो बहन होगी बीच में भी हंसी मजाक दोनों समझी, पर वो दासी तो दासी, तो उसे कहा है मुझे सहन नहीं। तो क्यों कैसे, तो मैं इससे पूछती हूँ, तो उसे बताया देखिए देखो अब क्या करो, मैं भी अपने बच्चों से पूछ बताऊंगी। तो बच्चों ने कहा, वो नागों की माता थी कद्रु, क्या नाम था उसका, कद्रु, कद्रु, उसने कहा कि माँ इससे बढ़िया और मोह क्या होगा, क्या ये जब इसमें गर्व बहुत शक्ति है, ये इंद्र वगैरह को ठीक कर करा करके अमृत ला देगा, तुम तो अमृत मंगवा लो। तो उसने ठीक है अमृत से कहते हैं कि बुलाया दीदी हमें अमृत ला दे, कैसे हम कहते हैं गर्व, तो गर्व को जाकर कहा, गर्व ने कहा माँ मिल जाए, और अकेला गर्व इंद्र से टक्कर लेने के लिए चल देता है। दोनों पीछे पीछे भयंकर युद्ध होता है, पर उस युद्ध में ये तो जीतता है गर्व, और अमृत ने लेता तब वो इंद्र के ठहरे क्या भाई तू जीत गया ये मैं मान गया, अब अमृत पर तेरा जय, पर एक काम कर इन दुष्टों के मुँह में अमृत जाएगा और ये नाग क्या करेंगे दुनिया का, इसलिए तू एक हमारे साथ कर देगा, कि तू इतना कर देना कि अरे इस तरह अमृत थोड़ी पी देना, आखिर पीने की विधि है ये भी तो यज्ञ अमृत पान, तो उस यज्ञ की विधि अपनाओ और तुम करो, तुम कहा ठीक है। तो वो यज्ञ की विधि बताई, स्नान मान करके यज्ञ आसन वगैरह उषा करके और उससे अपने सारे कृत्य करने के बाद अमृत पियो, तो उनके विशेष की गुरु जी करते हैं संध्या वंदन तो वैसे भी करते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, उनका ऐसा ही करेंगे। बस इंद्र को मौके की तलाश थी, जैसे ही वो आसन वासन पर आकर बैठे और आंखें बंद करके उठे, इंद्र ने अदृश्य रूप से लेकर अमृत ले लिया। उसी छीना झपटी में चंद बूंद जो धरती पर गिर पड़ी, उससे ये लक्षण पैदा हुआ। अब ये कहने वाले शास्त्री, पर उनका मतलब यही है हर चीज को आप केवल सीमा के साथ, आवश्यकता के साथ, आवश्यकता के बिना नहीं। आप सोचिए मधु, मधुमेह जिसे बोलते हैं आज तो भगवान के सच उसके पात्र में जाता है वो क्या है, शर्करा है जैसा जो मधुर रस है, नाम से भी मधुर और वस्तुतः भी मधुर, उस वो भी जब हमें मौत दे सकता है, तो हर वस्तु गलत तरीके से काम में ली जाए। तो मैंने दूध वाला ने इसलिए दिया था कि जहाँ अमृत मानते हैं स्वयं दूध हो अपन, वहाँ उस अमृत को पथ्य रूप में पीकर और हम अतिशय भोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब क्या वास्तव में दूध को जो है तामस कहेंगे, अर्थात तामस संकल्प के द्वारा हमने दूध लिया इसलिए उसने तामस की उत्पत्ति, ये सोचने की बात। तो हर वस्तु में विधाता ने गुण अवगुण दोनों को देखा, आप लोगों को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हम गुण को गुण की दृष्टि से, अवगुण को अवगुण की दृष्टि से, और गुण को हम अवगुण नहीं करें, अवगुण को गुण नहीं करें, बस ये अंतर रखें। विवेक का नाम ही पृथकात्मता, विवेक पृथक आत्मता, पृथक पृथक स्वरूप आत्मा स्वरूप। तो ये विशेष और कुछ नहीं।